हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई एम मोहम्मद शानुर रहमान, योर मैथ्स टीचर। हेयर आई विल टीच मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। इट इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल, द कॉन्सेप्ट परफेक्ट लर्निंग। एज वी ऑल नो दैट द क्लास 10th इज फुल्ली डिपेंड अपॉन बोर्ड, विच इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट बोर्ड, बट हेयर वी फॉलो द CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एंड इन दिस बोर्ड, what are the mark system, what are the marks scheme, what are the weightage of each and every branch, here we see. So इसलिए हम देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर, हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पर वो ब्रांच वाइज पढ़ाएंगे। आप देखते होंगे NCERT या RD शर्मा, KC सिन्हा, कोई भी बुक आपके पास होगा, उसमें फर्स्ट चैप्टर वो रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर APs जिसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पर हम जो फॉलो करेंगे, पहले अलजेब्रा पढ़ाएंगे, उसके अंडर में फोर्थ चैप्टर है वो कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट ब्रांच उसके अंदर चैप्टर वो कम्प्लीट किया जाएगा, ब्रांच वाइज पढ़ा जाएगा। पहला आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर एक ब्रांच का क्या वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी ये देखें। फिर हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10th में है पॉलिनोमियल, मैं फिर उसको स्टार्ट करूँगा। आपकी इन्फॉर्मेशन की बता दूँ, मैं क्लास 10th पढ़ाऊँगा, कंप्लीट 10th और 8th 9th दोनों स्टार्ट हो जाएगा आपका। डे बाई डे आपका लेक्चर आएगा, क्लास 8th का पूरा फुल मैथ, क्लास 9th का फुल मैथ, क्लास 10th का फुल मैथ, जो कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप देखिए क्लास 10th मैथ्स, पूरे क्लास 10th में 7 ब्रांच हमको पढ़ना है। पहला ब्रांच अलजेब्रा, इसके अंदर 4 चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है। फिर ज्योमेट्री में 2 से 3 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर, एक ट्रिग्नोमेट्री खुद, उसका आइडेंटिटीज़ और उसका अप्लीकेशन यानी हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्म में। फिर मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वॉल्यूम सरफेस एरिया। फिर नंबर सिस्टम, उसमें एक ही चैप्टर रियल नंबर, जो कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है लेकिन हम मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा। फिर स्टैटिस्टिक, उसमें स्टैटिस्टिक एक चैप्टर और एक और चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊँगा। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में CBSE के अकॉर्डिंग क्या एक एक ब्रांच का क्या वेटेज है, वेटेज बता दें आपको। जो भी आएगा अलजेब्रा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन अलजेब्रा से आता है। ये वेटेज है, ये द मार्क्स है। मार्क्स अलजेब्रा 20 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज है, इसलिए मैं फर्स्ट अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और स्टैटिस्टिक। आप हर एक ब्रांच का वेटेज आपको जानना चाहिए कि कौन ब्रांच से कितना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फर्स्ट मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। आप अलजेब्रा के लिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए, अलजेब्रा में पूरे क्लास 10th में 4 चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग, या किसी बुक के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर है। आपको अलजेब्रा में जो फर्स्ट ब्रांच है जिसका वेटेज फुल 20 मार्क्स क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में आता है, फर्स्ट चैप्टर में जो मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ, जो कि मैं पढ़ूंगा अलजेब्रा में, पहले पॉलिनोमियल, फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलजेब्रा 20 मार्क्स का आ रहा है, इसका ये मतलब कि पॉलिनोमियल 5 मार्क्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मार्क्स 5 मार्क्स, ऐसा नहीं, वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ 6 आ जाए, इसमें कुछ 3 आ जाए, इसमें किसी में आए ही नहीं, या किसी में 12 आ जाए, वो 12 मार्क्स का आ जाए, वो आपका बोर्ड पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये अलजेब्रा से 20 मार्क्स का टेंटेटिव यानी कि लमसम में
कंफर्म नहीं, 20, 18, 22 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल शुरू करने से पहले आपको ये जानना है कि पॉलीनोमियल के बाय डिफिनेशन पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन और टाइप्स क्या है, पॉलीनोमियल को क्या कंडीशन है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल कब कहलाएगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब हम क्वेश्चंस में आएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए हम पॉलीनोमियल का कोई इंट्रो इंट्रोडक्शन देंगे हम, फिर हम क्वेश्चंस में आएंगे, फिर ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं पॉलीनोमियल जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का जो मैं पढ़ाऊँगा। आप इससे नोट कीजिए पॉज करके, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि मैं किस तरह पढ़ाऊँगा, हर एक ब्रांच का क्या वेटेज है। पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले क्लास 7th में 8th में आप पढ़े होंगे आप लोग कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन उसे कहते हैं, इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वल टू हो और एक्सप्रेशन इसमें इक्वल टू ना हो। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि वैसा एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल से मिलकर कम्बाइन हुआ हो और बाय द ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या दो कंडीशन और है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल बन जाएगा, उसको आपको पढ़ना है समझना है। जो भी डिफिनेशन जो लिखाएंगे हम आपको नोट कीजिए, ये आपको मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है, आप सिर्फ थ्योरेटिकल नोट्स के फॉर्म में आपको जानना है कि आप क्वेश्चन बनाइएगा पॉलीनोमियल का क्या कंडीशन है, टाइप्स का किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, आप ये जानिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस आप आराम से बना पाइएगा। इसी किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो वह थ्योरेटिकल फॉर्म में रहेगा, जो उसमें नोट्स होगा कुछ होगा तो आप जाने। ठीक है, हम पॉलीनोमियल बाय डेफिनेशन शुरू करते हैं। देखिए पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, फर्स्ट आप इसको रटी नहीं, पॉलीनोमियल को समझी बाय थ्री कंडीशन के फॉर्म में आप पॉलीनोमियल को समझी। जैसे पॉलीनोमियल होने के लिए पहला कोई भी एक्सप्रेशन हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल से कम्बाइन हो रहना चाहिए बाय द ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। कंटेन यानी कि जो कंटेन करेगा उसमें रहेगा वेरिएबल पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, यहाँ से आप वर्ड बाई वर्ड समझिए, नॉन नेगेटिव यानी कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल यानी कि इंटीजर, वो जो भी पावर हो वेरिएबल पर वो इंटीजर होना चाहिए। एक्स एक्स का सेंस मतलब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कुछ हो वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करता हो। एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल इसमें देखिए पहला कंडीशन क्या ये पॉलीनोमियल है या नहीं, पॉलीनोमियल के एग्जांपल ही दे रहे हैं तो जाहिर सी बात ये पॉलीनोमियल होगा, लेकिन जानना है पॉलीनोमियल है या नहीं। इसके लिए आपको देखना ये होगा पहला कंडीशन वो अलजेब्रा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्यों, कॉन्स्टेंट वेरिएबल से मिलकर बना बाय द ऑपरेशन ऑफ प्लस और माइनस, प्लस यहाँ पर सिर्फ कोई बात नहीं। फिर उसका जो पावर हो वेरिएबल पर वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, यानी जो पावर एक्स पर है क्या है, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, इंटीजर है, टू क्या है, 2, 3 क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे क्यूब कर दे रहे हैं। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो गया, ये मतलब ये क्या बन गया, ये पॉलीनोमियल है। ये जो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल है, और जो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल है आप यहाँ नोट कर लीजिए इसको भी। ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, यानी कि पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म है ये, इसको सिर्फ नोट कर लीजिए जानना है। पॉलीनोमियल के जनरल फॉर्म है ये पॉलीनोमियल का कुछ एग्जांपल है, पहले
न्यूमेरिकल एग्जांपल, फिर उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ए नॉट, एक और कंडीशन यहाँ पर होना चाहिए, ए नॉट वेव, यहाँ पे लिख दिया आपने, वे ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर ए इन माइनस वन ए इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू ए ए माइनस टू इंटू एक्स टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन टू ए एन, ये पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म है और इसी में फॉलो होगा, कोई भी इक्वेशन आप बनाइएगा पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन बनाइएगा वो पॉलीनोमियल का यही जनरल फॉर्म पे इस्टेब्लिश होगा। ये कुछ एग्जांपल है पॉलीनोमियल का। अब हमको जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल क्या क्या क्लासिफिकेशन, टाइप्स नहीं, टाइप्स कहिएगा आप तो कुछ एक बेस पर होगा टाइप्स, लेकिन यहाँ पर दो बेस पर पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला बेस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म की बेसिस पे पहला कंडीशन है पॉलीनोमियल होना चाहिए, फिर टर्म की बेसिस पे यानी कि वो एक टर्म है, अब जानते हो वो टर्म किसे कहते हैं, सेवल पार्ट आर सेपरेट बाई प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहा है अलग पार्ट उसको टर्म्स कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से नहीं उसको टर्म्स कहते हैं, इसमें वन टर्म हो मोनोमियल, टू टर्म हो बाइनोमियल, थ्री टर्म हो ट्राइनोमियल, फिर जीरो नोम, फिर जीरो पॉलीनोमियल पढ़िएगा, फिर कांस्टेंट पॉलीनोमियल पढ़िएगा, टर्म्स के बेसिस पर टाइप्स में पढ़िएगा, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बेसिस पे कितना टाइप्स है, पहला लीनियर पॉलीनोमियल, दूसरा जिसका डिग्री वन हो, डिग्री क्या होता है ये भी आप जानिएगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्वार्टिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्वार्टिक कहते हैं इसका डिग्री फोर, वो आप पढ़ेंगे। उससे पहले आप कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं है, उस पर हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे उतार लीजिए पॉज करके, हम इसको एरेज कर दे रहे हैं। हम पॉलीनोमियल जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉलीनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पलर फॉर्म में समझिए, आप जो क्वेश्चन बनाइएगा वो डिफरेंट बुक्स बनाइएगा, उसमें कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप उस पर ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी ऐप्स आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपको, अगर आपको हियरिंग में दिक्कत हो, विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो, किसी भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई यानी कि वो बताना है, क्लासिफिकेशन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिया हुआ पॉलीनोमियल है और कौन पॉलीनोमियल नहीं, तो आप बताइए, आप इसे पॉज कीजिए, आप पहले बना लीजिए, साइड में लिख दीजिए कौन पॉलीनोमियल है कौन पॉलीनोमियल नहीं है, और रीज़न मन में सोचकर कि किस वजह से पॉलीनोमियल है और किस वजह से पॉलीनोमियल नहीं, आपको थ्री कंडीशन आपको मालूम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। हम दो मिनट का समय देते हैं आपको, आप इसको बनाइए, दो मिनट का समय मतलब क्या कि आप पॉज कीजिए, आप बनाइए अपना घर ही देखकर टू मिनट्स, फिर आप कंटिन्यू कीजिए, हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए पहला एक्सप्रेशन को भी पॉलीनोमियल का थ्री कंडीशन होना चाहिए, पहला वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरा फिर कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर बना हो यानी कि वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी हो ही गया, फिर आप देखिएगा कि नॉन ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी है, कोई नेगेटिव नहीं है, सब इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, पॉलीनोमियल, सेम देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी है, जो भी पावर है सब क्या है, पॉजिटिव है, सब इंटीजर भी है, तो ये भी क्या हुआ, पॉलीनोमियल हुआ। ये भी देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, सब इंटीजर भी है, सब पॉजिटिव ही नहीं, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, इसलिए भी पॉलीनोमियल हुई है। इसमें देखिए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं है, इंटीजर भी, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ जीरो है ना, सब इंटीजर है, सब जीरो वन टू माइनस सब इंटीजर है, यहाँ पे क्या होगी, पॉलीनोमियल हुई है।
यहाँ देखिए आप उसको 10√x से वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए रफ में, इसको देखिए यहाँ पर 10√x, यहाँ देखिए 10√x को क्या लिखा आ सकता है, 10√x मतलब 1 से पावर 1/2, इसको हम लिखा आ सकता है वहाँ पर, इसको √x पॉजिटिव, जो वेरिएबल पे पावर है वो पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं, क्या है फ्रैक्शन, और पॉलीनोमियल कंडीशन है वो इंटीजर भी हो और नॉन नेगेटिव भी हो, यानी कि एक कंडीशन फेल हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या हो, पॉलीनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलीनोमियल। जो भी आपको देखना है कि कौन पॉलीनोमियल है कौन पॉलीनोमियल नहीं है, वो सिर्फ वेरिएबल पर देखना है, वेरिएबल के पावर पे देखना है, ना कि उसके कोफिशियंट रियल कोफिशियंट पे देखना है। रियल कोफिशियंट √3 और √5 के मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल पे देखना है। जैसे यहाँ देखिए √3z है, z हमको देखना है वेरिएबल पर, z पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 क्या है इंटीजर भी है, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए पॉलीनोमियल होगा। यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन यहाँ पर जो पावर है इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव है, ये क्या होगा, नॉट अ पॉलीनोमियल। यहाँ देखिए इसको देखिए 5/y को, यहाँ देखिए 5/y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5y ऊपर जाएगा y-1, ये लिख सकते हैं -1 क्या है इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं, इसलिए नॉट अ पॉलीनोमियल। क्या आई होप आप समझ गए होंगे पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो गया होगा आप क्वेश्चन बनाकर, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन हो गया, कौन किस कौन पॉलीनोमियल है कौन पॉलीनोमियल नहीं है। इस जो क्वेश्चन है जनरली बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, MCQ में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीनोमियल, आप क्वेश्चन को इस तरह से रहेगा आप, आई होप कि ये बनाकर आप पॉलीनोमियल की क्लासिफिकेशन आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, पूरे पॉलीनोमियल को दो बेसिस पर देखा जाता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बेसिस पर देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बेसिस पर भी देखा जाता है कि पॉलीनोमियल का क्या क्या टाइप। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बेसिस पर देखेंगे, फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बेसिस पर, फिर हम देखेंगे, आप 9th में पढ़ा भी होगा डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री शुरू करने से पहले फिर एक बार हम बता देंगे आपको डिग्री किसे कहते हैं, कि जो बच्चे बेसिक्स शुरू कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं 9th, वो भी समझ जाए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये कंप्लीट हुआ, आप इसे उतार लीजिए, हम समझा देते क्या है पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन। पहला ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, टर्म की बेसिस से मतलब कोई भी, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, आपने ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितना टर्म है, ये एक टर्म फिर ये दो टर्म, ये मल्टीप्लिकेशन से जो रिलेशन यहाँ 4x² बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से टर्म अलग नहीं होता, टर्म अलग सिर्फ प्लस या माइनस होता। जब कोई ऐसा कोई बोल दे अगर 2xyz ये कितना टर्म है, सिर्फ ये एक टर्म, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म अलग नहीं होता, आप जानते होंगे प्लस और माइनस से टर्म अलग होता। तब पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहला टाइप है मोनोमियल,
जिसका ऐसा पॉलीनोमियल जो वन टर्म रखता हो, से वन टर्म ऐसा बाइनोमियल, वैसा पॉलीनोमियल जो टू टर्म रखता हो, एग्जांपल के साथ ट्राइनोमियल जो थ्री टर्म हो, नाम से स्पष्ट है कि क्या क्या है। जीरो पॉलीनोमियल एक नियर टाइप्स का पॉलीनोमियल आप पढ़ा होगा, पहले आप क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं द पॉलीनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट, पॉलीनोमियल का जो रियल कोफिशिएंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं, क्या रियल कोफिशिएंट का पूरा जीरो, यानी जीरो इनटू जीरो इनटू एक्स पावर 10, जीरो इनटू एक्स स्क्वायर, जीरो इनटू एक्स, कुछ वेरिएबल हो लेकिन उसका रियल कोफिशिएंट क्या हो, जीरो, उसको हम जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं, है ना। जीरो पॉलीनोमियल आप याद रखिएगा, जब हम डिग्री पढ़ाएंगे इसमें एक नोट्स के फॉर्म में बताएंगे, इसमें कोई डिग्री नहीं होता। अब डिग्री किसे कहते हैं अभी बताया नहीं है, हो सकता है कि 90% बच्चे जानते होंगे डिग्री किसे कहते हैं, लेकिन हम डिग्री पढ़ाएंगे इसमें कोई डिग्री नहीं होता, क्योंकि हर एक का कोफिशिएंट जीरो है, ये जीरो बना दे रहा है। कैलकुलेट करेंगे क्या, सब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो, कोई डिग्री नहीं होता। फिर कांस्टेंट पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, सिर्फ वन टर्म रहेगा, इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के बराबर होगा, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 20, सब रियल नंबर क्या, सब जीरो पॉलीनोमियल, 7 है ये, 9 है ये, 4 है, एंड सो ऑन। अब क्यों पूछे, एक और क्वेश्चन बनता है, क्या 9 पॉलीनोमियल है, क्यों पूछे, अब बोलेंगे जी 9, यस 9 इज अ पॉलीनोमियल, इट गिव यू अ स्पेशल नेम, दैट इज नेम इज कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ना है ना, कांस्टेंट पॉलीनोमियल समझ गए होंगे, जो पॉलीनोमियल वन टर्म हो, रियल नंबर के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, 7 9 9 इज अ पॉलीनोमियल विच हैव अ स्पेशल नेम, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, है ना, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब इसे नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये जानने से पहले आप डिग्री समझ जाए, डिग्री किसे कहते हैं, तब हम डिग्री के क्लासिफिकेशन में आएंगे ना, पहले हम डिग्री बता दें डिग्री किसे कहते हैं। या नोट करके अलग लिख लीजिए, या नोट्स बना लीजिए। नोट के फॉर्म में लिख दिया हाईलाइटर से, रेड पेन से, आप समझिएगा यहाँ पर कि डिग्री कैसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल का डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोई भी टर्म में हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलीनोमियल का हम डिग्री कहेंगे। आप एग्जांपल से और क्लियर होगा, एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे कोई एग्जांपल है 4x^10 प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 4। पहला, हम कोई भी चीज़ टर्म पढ़ रहे हैं, डिग्री है, टर्म्स है, मोनोमियल है, जीरो पॉलीनोमियल है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, कोई भी पढ़ रहे हैं, पहला वो होना चाहिए पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल कंडीशन आपको पता है। फिर होना चाहिए कि जिस टाइप्स का बात कर रहे हैं वो टाइप्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल डिग्री की बात करें, हाईएस्ट पावर, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी वेरिएबल कोई एक्स वाई हो, कुछ हो, यहाँ पर एक्स के फॉर्म में वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या, टू है, यहाँ पर क्या है, नहीं तो कुछ वन है, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो है ना, इसको आप जानते होंगे 4 है, तो 4 पे एक जीरो कर दें, तो अब एक्सपोनेंट में आप क्लास 7-8 ने पढ़ा होगा, किसी भी पावर 0-1 होता है, यानी 4 × 1 = 4 या 4 बन गया ना, आप जानते होंगे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 10, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर किसी पर्टिकुलर टर्म में क्या है, 10। तो इस पॉलीनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 10 हो गया, हाईएस्ट पावर के एक्स डिग्री कहते हैं ना। आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आते हैं, अब इसे कोई भी पॉलीनोमियल का डिग्री 1 हो तो स्पेशल नाम दिया गया लीनियर पॉलीनोमियल, किसी पॉलीनोमियल का डिग्री 2 हो स्पेशल नाम दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, किसी पॉलीनोमियल का डिग्री 3 हो उसका स्पेशल नाम दिया गया क्यूबिक पॉलीनोमियल, किसी पॉलीनोमियल का डिग्री 4 हो उसका स्पेशल नाम दिया गया बाई क्वाड्रेटिक, या उसका एक और नाम है क्वाटिक, QUARTIC, क्वाटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाटिक, क्वाड्रेटिक जो 2 डिग्री हो। लेकिन यहाँ से ही आप एक चैप्टर का नाम यहाँ पर आ जा रहा है, जो आप थर्ड चैप्टर पढ़िए, इसके बाद लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक यहाँ आप क्या समझे, इसका डिग्री 2 हो, तो फिर आप क्वाड्रेटिक पढ़िएगा, तो आप
आप समझ जाइएगा डिग्री कितना होना चाहिए उस पॉलीनोमियल में। डिग्री 2 पढ़िए, क्वालिटी की क्वेश्चन पढ़िएगा तो स्पेशल नाम दीजिए आप, बाई डेफिनेशन उसको पढ़िए, नोट कर लीजिए। देखिए अब जो हम पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो क्यूबिक, डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक नाम लिख दे रहे हैं। लेकिन आप एग्जांपल हम का स्पेस छोड़ा है हर एक, तो आप एग्जांपल मन में सोचिए एग्जांपल क्या होगा, फिर आप लिख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, आप उसे मिला लीजिए क्या वो सही है नहीं। डिग्री 1 का कोई पॉलीनोमियल बनाइए, यानी कि जो वेरिएबल हो डिग्री 1 हो, है ना, उसका बनाइए। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए 4x + 7, डिग्री 1 का पॉलीनोमियल है। देखिए आप यहाँ पर डिग्री वेरिएबल पर डिग्री देखना है, पावर देखना है 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं देखा, मतलब एक्स पावर 0 है यहाँ, तो मैक्सिमम क्या हुआ 1 हुआ, तो डिग्री 1 का हुआ। क्वाड्रेटिक जिसका 2 डिग्री हो, देखिए जिसे बना लिए 10x² + 7x + 4, यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स 0, यहाँ पे एक्स 1, यहाँ पे एक्स 2, मैक्सिमम पावर हाई, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2, तो इस पॉलीनोमियल का डिग्री क्या हुआ 2 हुआ। क्यूबिक पॉलीनोमियल देखिए, इसका डिग्री 3 हो, क्यूबिक कहते हैं, एग्जांपल इसको भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पावर मैक्सिमम हाई, ये यहाँ पावर क्या 2, यहाँ 1, यहाँ 0, मैक्सिमम पावर क्या 3, तो इस पॉलीनोमियल का डिग्री क्या 3 बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ देखिए यहाँ पे x 0, यहाँ पे x 2, यहाँ पे x पावर 3, मैक्सिमम पावर x पावर 4, तो डिग्री 4, इसका नाम स्पेशल नाम क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक। इसका एक और नाम है, ये भी जान लिया, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो नोट कर लीजिए आप, आई होप डिग्री बारे में आप समझ गए होंगे, नोट कीजिए उसको, 2 मिनट टाइम ली, आप नोट कर लिया हो, समझ गए होंगे आप। जो भी एग्जांपल दिया गया है ये सब, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल दिया गया है, न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल दिया गया है। अब इसका हर एक टाइप का, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक हो, हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, आप उसे लिखिए। ये तो कोई भी एग्जांपल, कोई 9, कोई 10, कहीं पे 4, कहीं पे 10, कहीं पे 7, ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन आप स्टैंडर्ड याद रखिए। याद क्या रखना, आप समझ गए होंगे, लीनियर क्या होगा, इसको ए मान लिए, ax + b, या क्या हो जाए x² + bx + c, सबका जनरल फॉर्म है। या आप क्वाड्रेटिक पढ़िएगा तो उसका जनरल फॉर्म वहीं से शुरू ही होगा क्वाड्रेटिक, अब फिर इतना हम नहीं बताएंगे वहाँ पर टाइप्स, इसलिए आप यहाँ पढ़ा दिया। डायरेक्ट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 लग जाएगा, यही फॉर्म रहेगा, वहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे और डिफरेंट डिफरेंट बात वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए, याद रखिए। जनरल फॉर्म क्या होगा आप समझिए, हम जो बताया इससे पहले जो बताया वो क्या न्यूमेरिकल फॉर्म में था, कुछ भी 10x² + 7x + 4 कुछ भी ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो रियल नंबर है 10 है 4, उसको ABC और DE के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन x² जहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, कुछ भी वो सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए आप लीनियर पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म है AX
यहाँ पर एक बात नोट करते होंगे, पावर डिक्रीज हो रहा है। देखिए पावर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पावर वन, यहाँ पे ज़ीरो, टू वन ज़ीरो, थ्री टू वन ज़ीरो, फोर थ्री टू वन ज़ीरो, यानी कि एक फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ना। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा आगे का वो बता दे रहे हैं, या बड़ा समझिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को उठा के यहाँ लाइए, इसका डिग्री टू होना चाहिए, नाम से स्पष्ट है पॉलीनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे आप, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री टू है, डिग्री टू है, इक्वेशन इक्वल टू लगा हुआ है, फिर एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, अलग अलग बात पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये एक जनरल फॉर्म है, आप क्यूबिक पॉलीनोमियल पढ़िएगा, ये बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, ये सबके स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी जनरल फॉर्म है ये, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हमको समझना ये है, पहले पॉलीनोमियल किसे कहते हैं समझिए, उसका क्लासिफिकेशन क्या, तो वो भी समझिए। अब हमको समझना है क्लासिफिकेशन के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बाद, अब आपको समझना होगा कि कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू पॉलीनोमियल, टर्म्स है वैल्यू। कोई भी पॉलीनोमियल हम एक्स वाई के फॉर्म में देख रहे हैं, वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या, जो वैल्यू वेरी करता हो, कॉन्स्टेंट ना हो, तब हम देखेंगे कि हर एक पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या होगा। फिर देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल हो उसका वैल्यू ज़ीरो कर दें, तब जो वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, किस एक्स वेरिएबल है तो एक्स के कौन सा वैल्यू पर वो पॉलीनोमियल ज़ीरो होता, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल देखेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि यही एक हर एक टर्म्स का एक फिजिकल मीनिंग होता, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता। आप फिजिकल मीनिंग आप समझ गए होंगे, अब जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यानी कि ग्राफ बनेगा। कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल है वो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला आप देखिए, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव हो तो कोई भी पैराबोला बनेगा उसका मूव अपवर्ड होगा, ए नेगेटिव हो मूव डाउनवर्ड होगा। जिस जिस जगह पे एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो जीरोज़ होगा, वो आप डिफरेंट पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ आप जो पढ़िएगा वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के पहले, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग नेक्स्ट क्लास में होगा, अगले लेक्चर में होगा। लेकिन आप यहाँ कुछ टर्म्स देखिएगा, देयर आर थ्री टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीनोमियल, थ्री टर्म, आफ्टर थ्री टर्म्स वी हैव टू डिस्कस, वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। देखिए ऑफ अ पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल को आप, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए कोई पॉलीनोमियल को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलीनोमियल को, और वेरिएबल जो रहेगा उसको अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है, यानी कि पी इन द फॉर्म ऑफ एक्स है ना। अब कोई पॉलीनोमियल बनाएंगे वेरिएबल एक्स, जैसे कि नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फोर, ये क्या पॉलीनोमियल है, यानी कि वेरिएबल एक्स के फॉर्म में पॉलीनोमियल है, इस फॉर्म लिखा आता है। तो हम मान लें कोई भी पॉलीनोमियल पी एक्स हो, पॉलीनोमियल जनरल फॉर्म, आई होप को बताया होगा आपको पॉलीनोमियल जनरल फॉर्म किसे कहते हैं। यहाँ आपको एक एक चीज़ कवर किया जा रहा है, कोई भी आर डी शर्मा पढ़िए, के सी सिन्हा पढ़िए, एन सी ई आर टी पढ़िए, ए टू जेड जिसे कह सकते हैं, हर एक टर्म बाय टर्म आपको कंप्लीट किया जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़ा होगा, जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ये पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म है टर्म्स, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, जानते होंगे हर एक टर्म जो है टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल। अब देख लिए हर एक टर्म ए नॉट, अब हर एक टर्म देखिए ए नॉट, ये सब क्या है, इस पॉलीनोमियल का टर्म है, सब क्या है टर्म्स है, सब टर्म्स है ना। ईच
ईच टर्म इज कॉल्ड टर्म, यानी कि ए नॉट ए वन एक्सपोनेंट सब क्या है टर्म। अब जो पढ़िएगा आप वो देखिए, आप पढ़िएगा वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलीमेल किसे कहेंगे, कोई भी एक पी एक्स पॉलीमेल, कोई भी पी एक्स पॉलीमेल। एग्जाम्पल देखिए, इसका डिफिनेशन हम ऐसे ही लिख दिया है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। देखिए कोई भी पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स पॉलीमेल, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, तो पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू निकल जाएगा। तो कोई पॉलीमेल है, एक्स का वैल्यू मैंने वन पुट किया, क्या हो जाएगा बताइए, फोर इंटू वन स्क्वायर, लेकिन यही क्या होगा वैल्यू ऑफ द पॉलीमेल। वैल्यू ऑफ पॉलीमेल है ये, खाली आप जानते होंगे, ऐसा ही लिखना ज़रूरी था, वैल्यू किसे कहते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है, ज़ीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। इसी ज़ीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पे एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होगा जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ज़ीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग फुली डिपेंड करेगा। तो अब ज़ीरोज ऑफ पॉलीनोमियल देखें, देखिए ज़ीरोज ऑफ द पॉलीमेल किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी पॉलीमेल पी एक्स, उसको पहला पी एक्स को ज़ीरो कर दें पॉलीमेल को, तो वो पॉलीमेल चेंज हो जाएगा इक्वेशन में, पॉलीमेल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। वहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लें, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा तो वो एक्स का वैल्यू वेरीफाई करने के लिए फिर पुट करें हम पॉलीमेल में, तो वो पॉलीमेल ज़ीरो बनकर निकलेगा। वही एक वेरीफिकेशन हुआ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इससे ज़ीरोज ऑफ पॉलीमेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड यहीं से करेंगे, ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफ यहीं से बनाएंगे, आगे का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम एग्जांपल देखें इससे पहले, ख़त्म करने से पहले, ज़ीरोज ऑफ द पॉलीमेल का क्या एक एग्जांपल ले लें। जैसे फोर एक्स प्लस सेवन पी एक्स, कोई भी पॉलीनोमियल है x के फॉर्म में, 4x प्लस 7 डिग्री 1 है डिवीज़न के लिए, बाइनोमियल है टू टर्म है डिग्री 1 है, लीनियर पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर हम px को ज़ीरो करें, ज़ीरो निकालने के लिए px को ज़ीरो कर दें, फिर क्या होगा पॉलीनोमियल को उतारें, फिर उसको चेंज करेंगे, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 7, x बराबर माइनस 7 बाई 4। आपको हर स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, जब समझ में आ जाए अच्छे से। फिर इसका आते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाइड। अब ये क्वेश्चन क्या ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए 4x प्लस 7 ज़ीरो आना चाहिए, x का वैल्यू क्या आया माइनस 7 बाई 4 पुट करें, 4 कैंसिल, माइनस 7 प्लस 7 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाइड। ये तो लीनियर पॉलीनोमियल था, इसलिए हम आराम से इसका x का वैल्यू निकाल दें। लेकिन आप क्वाड्रेटिक देखिए एग्जांपल के फॉर्म में, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 अगर है, इसका कैसे x निकालेंगे, वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, आप हर एक चीज़ को आप नोट कीजिएगा, थ्योरेटिकल पढ़िएगा, पढ़ने के बाद हर एक टर्म को आप मोस्ट मॉडल ज़ीरो ऑफ पॉलीमेर, क्यों आगे पूरे सी भी कहानी है, इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ ज़ीरो ऑफ द पॉलीमेर कंप्लीट, फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलीमेर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पहले कुछ क्वेश्चंस,
डिग्री पे और टर्म पे, वो क्वेश्चन हम बनाएंगे। फिर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, फिर क्वेश्चन से बनाएंगे। हम यहाँ लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।